encoded by BubbaHD.com. भगवान स्वर्ग पर राज करते हैं, शैतान नरक में जलते हैं और इंसान धरती पर रहते हैं। अपने पापों की सजा भुगतते हुए तीनों लोग कर्म के नियमों का पालन करते हैं। डार्क क्रिस्टल में शैतानों की काली शक्तियां बसती हैं। हर सदी में एक बार पूनम की रात हर जीव पुनर्जन्म लेकर लोक बदल सकता है। इस सदी का वो दिन आने ही वाला है और नरक में हलचल मची है। हू राज्य पर शैतानों का साया मंडरा रहा है। माना उनकी आबादी कम है पर उन्हें तैयार रहना होगा। क्या कोई है जो उनके शहर की रक्षा करेगा? मैं हू राज्य को शैतानों से बचाऊंगा।
जोंकुई, तुमने कमाल कर दिया। नोगर, डार्क क्रिस्टल किसी ने चुरा लिया। उसका चेहरा नहीं देख पाई, बस एक सुनहरी रोशनी दिखी। सुनहरी रोशनी थी। क्या वो कोई भगवान था? भगवान नग नहीं आ सकते। मैं क्रिस्टल वापस ले आऊंगी। अब तुम्हें मेरे एहसानों का कर्ज चुकाना होगा, मेरी स्नोगर। Encoded by BubbaHD.com. सभी लोग ध्यान दीजिए, मेरी बात सुनिए। यहाँ ध्यान दीजिए। हर इंसान की तीन रूह और सात आत्माएं होती है। जिंदगी ना हो तो आत्मा नहीं होती। बिना आत्मा के आप जी नहीं सकते। रूह इन सात आत्माओं की जड़ें हैं और ये सात आत्माएं रूह की डालियां और पत्तियां हैं। तो आइए देखते हैं। ये दरअसल शरीर के सात चक्र हैं जो सर से लेकर पैर तक होते हैं, जहां प्राण शक्ति बसती है। कई दफा ऐसा क्यों होता है कि हम थके हुए, हारे हुए, निराश क्यों महसूस करते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने दोस्त। मैंने तो नहीं पूछा। हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पूछा। अरे शर्माओ मत, आओ आओ। ये दरअसल संकेत है कि आपकी आत्मा कमजोर हो रही है। मैंने कुछ नहीं पूछा। और अब ये जानना चाहता है कि वो सात आत्माएं कौन सी है। वो है बुद्धि, ऊर्जा, शक्ति, तुम्हारा बड़ा पेट, बल और वह इंसान की सात आत्माएं। अगर तीन कमजोर हो गई तो जान जा सकती है। हालात भी ठीक नहीं चल रहे। इन दिनों हमें अपना ख्याल खुद रखना होगा। तो आप क्या करेंगे अगर कोई शैतान आपकी आत्मा चुरा ले? घबराइए नहीं। आत्मा रक्षण काढ़ा मेरे परिवार का खास काढ़ा, मेरे दादा के दादा ने बनाया था। 300 जड़ी बूटियाँ, 300 जड़ी बूटियों के मिश्रण से बनाया, आपकी आत्मा की रक्षा करेगा। सिर्फ एक घूट काफी। क्या वाकई काम करता है? हाँ बिल्कुल। आओ। मेरी बीवी को बच्चा नहीं होता, देखो उसमें क्या कमी है। अभी अभी काफी भीड़ है मेरे भाई, हम फिर कभी देख लेते हैं। अभी जांच करो। मेरी जांच क्यों कर रहे हो भाई? आपकी मुझे पता था कमी मुझ में नहीं है। क्या कहा तुमने? तुमने मुझे जांच करने कहा, मैंने कहा था तो तुमने जबरदस्ती की। छोड़ा मुझे वहां। रुको, रुक जाओ। तुम कौन हो? ज़ोंगलिंग। मेरी बीवी। चुप करो, आज नहीं तो कल बन जाओगी। बेवकूफ। हाथों, ध्यान से सुनो, मैं इसे पीट सकती हूँ, तुम इसे छू भी नहीं सकते। ज़ोंगलिंग, तुम्हारा भाई वापस आ गया। भैया आ गए, चलो। वो डार्क क्रिस्टल। भैया, भैया। आज कौन सा शैतान था? मास्टर, मास्टर। लो, ये पवित्र पानी पी लो, ताकत वापस आ जाएगी। संकुए, डार्क क्रिस्टल में समाई है हमारे हू राज्य के मासूम लोगों की आत्माएं। 7 दिनों बाद हम सबको बचा लेंगे।
इसका मतलब मेरे भैया का काम पूरा हो गया? अभी हमारी दशा नाजुक है, नर्क के शैतान एक मिनट भी शांत नहीं रहेंगे। हमें डार्क क्रिस्टल उनसे बचाना होगा। हू राज्य की सुरक्षा इस पर निर्भर है। मास्टर भैया को उनसे दूर ही रखिए। अगर इन्हें कुछ हो गया शैतानों ने कुछ। मास्टर, मेरी बहन सही कह रही है, वो शैतान शक्तिशाली हैं। हम उनका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? पर आपने एक बार कहा था आपके पास शैतानों से लड़ने की एक खास तकनीक है, और सही वक्त पर आप मुझे सिखाएंगे। क्या यही सही वक्त है? क्या तुम्हारे अंदर ताकत बची है? नहीं। हाँ बिल्कुल। ज़ोंकुए, तुमने नर्क में जाकर डार्क क्रिस्टल चुराने की हिम्मत की, और उसी के साथ तुमने मेरा भरोसा जीत लिया। ज़ोंकुए, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम भगवानों के चुने हुए योद्धा हो। मास्टर, आपकी सिखाई हर चीज मेरे लिए अनमोल है। पर तुमने अब तक अपनी पूरी काबिलियत को नहीं पहचाना, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। पूनम की रात 7 दिन बाद है। डार्क क्रिस्टल की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ज़ोंकुए, मैं तुम्हें एक बड़ी शक्ति देने वाला हूं। यह वही पौराणिक जादुई पंखा है, और यह प्राचीन प्राणियों की देन है। जब कोई इंसान एक दैविक शस्त्र इस्तेमाल करता है तो उसकी ऊर्जा से इंसान को भी नुकसान पहुंच सकता है। क्या तुम ये दर्द सह पाओगे? मास्टर, मैं सह लूंगा। मुझे बस एक मौका दीजिए, उन्हें ना हराने का दर्द इस दर्द से ज्यादा होगा। बहुत सही। Oh!
तुम्हारी असली काबिलियत, तुम्हारा दूसरा पहलू ज़ोंकोए, तुम्हारा असली रूप। ज़ोंकोए, जब कभी तुम ये पंखा खोलोगे, तुम्हारे अंदर का शैतान जाग जाएगा। जितने ताकतवर महसूस करोगे, उतना ही ध्यान रखना होगा। शैतान तुम पर हावी होकर तुम्हें अंधेरे की राह पर ले जा सकता है। याद रखो, इस पंखे को किसी के सामने मत खोलना। तुम्हें इस रूप में देखकर वो तुम्हें शैतान समझ बैठेंगे। पूरा इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अपने दिमाग पर काबू करना होगा। जब तुम्हारा मन काबू में होगा तो तुम ये दर्द सहकर ताकत हासिल कर लोगे। ऊर्जा को शांत करो। से अपनी तलवार निकालो, वो तुम्हारी पीठ पर है। पवित्र पानी पी लो, दर्द सहने में आसानी होगी। शैतानों का खात्मा करने से पहले अपने अंदर के शैतान को मारना होगा। तुम इंसान शैतानों से नहीं जीत सकते। आज आप सब जीते हैं और वो शैतान हारे हैं।
डार्क क्रिस्टल अब आपकी अमानत है और ये एक नई जिंदगी की शुरुआत है। 7 दिनों में पूनम की रात होगी और आपकी आत्माएं आपके पास लौट आएंगी। शैतान हार मान लेंगे और हूर राज्य की शांति अमर रहेगी। इन 7 दिनों में शैतान इस डार्क क्रिस्टल को वापस पाने की हर कोशिश करेंगे। अगर आप सब एक साथ लड़ेंगे तो आप सब महान बन जाएंगे। मैं भी आपके साथ लड़ूंगा। उन शैतानों को हम रोक कर दिखाएंगे। तुम्हारे कागजात कहाँ है? राजधानी से टैंक शहर जाने का अनुमति पत्र है। तुम कहाँ से हो? लॉलैंड से। कब निकले थे वहाँ से? 2 महीने पहले। जोंग कुई की अनुमति के बिना कोई शहर में प्रवेश नहीं कर सकता। तुम अंदर जा सकते, तलाशी लो इनकी। सब लोग बाहर आ जाओ, जल्दी करो। रुक जाओ, पहले मैं छानबीन करूंगा। सुनिए, पीछे मुड़िए। स्नो गर्ल? मैं स्नो गर्ल हूं, पश्चिम से आई हूं। क्या हम अंदर जाएं? हाँ, जाओ। पश्चिम की सारी लड़कियों के हाथ इतने ही ठंडे होते हैं क्या? जाने दो, जाने दो इन्हें। कल कार्यक्रम देखने जरूर आइए। आपने ऐसा कार्यक्रम पहले कभी नहीं देखा होगा। भूलना मत, कल शाम सभी को आना है। क्या है इसमें? इधर इधर खोलो इसे। तुम्हारे उस बोरे में क्या है? हाँ, हाँ, ये क्या है? ये क्या है? चलो बगर बगर यार। सुनो, होगा पिछले 3 साल से तुम कहाँ थी? मैं आपको नहीं जानती। मैं जोंगकुई हूँ। दाढ़ी बढ़ गई है बस, और मैं शैतानों को मारता हूँ। शैतानों को मारते हैं? आपको उसमें मजा आता है? उन्हें मारो या खुद मरो, लगता है तुम वो नहीं हो। मैं इस शहर में पहली बार आई हूँ। नूगल, क्या बात है? दीदी, जोंग कोई आपसे क्या पूछ रहा था?
अब घूरना बंद करो। नहीं मैं तो आकर मेरी मदद करो। अभी तो कुछ और देर घूरना था। मेरी आत्मा और रूह सब तुम्हारे पास ही तो है। तुम और तुम्हारी बातें। सुना है पश्चिम से कुछ सुंदर लड़कियां शहर आई हैं। इतनी खूबसूरत है सबको शैतान लग रही हैं। वो तो बहुत खूबसूरत है। तुम वहाँ गए थे? मैं नहीं। हाँ वो से था मैं। दरअसल दोस्तों ने कहा कि वहाँ ढेर सारे तो बस देखने रुक गया, बस एक झलक। अच्छा सुंदर थी? भाई आ गए। अगर कायम है तो चांद की रोशनी दुगनी हो जाएगी। शांत रहना है तो सो जाओ, नाराजगी है तो सामने आओ। मेरा मंत्र सुनो, धरती और स्वर्ग मेरे हो जाए, हर नदी और पहाड़ तक मेरी आवाज गूंजे, आत्मा का अस्तित्व सामने लाओ। दिन के लिए माफी चाहता हूँ, पर मैं ज़ोंगकुई सच्चा हूँ और मोह माया से मुक्त हूँ। मैं ऐशो आराम और शारीरिक संबंधों से खुद को दूर रखता हूँ। मेरा सिर्फ एक मकसद है, टैंग साम्राज्य की महानता में अपना योगदान देना। Encoded by BabaHD.com। तूफान आ गया। आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? मैं स्नो गर्ल हूँ, मैं जन्म से ही ऐसी हूँ। यहाँ काफी ठंड है।
माफ कीजिए, मैंने आग नहीं जलाई। टैंक साम्राज्य में अपना योगदान देने के लिए आप पढ़ रहे हैं ना? आपको कैसे पता? क्या आपने ये सारी किताबें पढ़ी हैं? द ड्यूक ऑफ बो चैप्टर 6। इरादा पक्का होना चाहिए क्योंकि रास्ता लंबा और कठिन है। अगर इरादा ना हो तो मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। अंत तक हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि सफर लंबा हो या ना हो बड़ा होता है। सन सूज आर्ट ऑफ वॉर। युद्ध के समय मौत का डर नहीं दिखाना चाहिए। दुश्मनों की भूमि पर लड़ते वक्त भीतर जाना चाहिए ताकि सेना का ध्यान बना रहे। किनारे पर ही रहे तो सेना कभी नहीं जीत पाएगी, इसलिए युद्ध शास्त्र में किताबी कीड़ा होना जरूरी है। द बुक ऑफ राइट्स। प्यार की परीक्षा, सच्चे प्यार का इंतजार करना, क्या सही है? क्या सच में ऐसा ही लिखा है? क्या ये सही नहीं? मैं सोच रहा था ये जानी पहचानी क्यों लग रही है। कल मैंने जिसको देखा था वो बिल्कुल इस पेंटिंग में जो लड़की है उसकी तरह दिखती है। सच कह रहे हो? झूठ क्यों बोलूंगा। मैं कल स्वर्ग में लौट जाऊंगा। शैतान आखिरी दम तक डार्क क्रिस्टल पाने की कोशिश करेंगे। किरीन तुम्हारी मदद करेगा। ज़ोंकुए, तुम्हें डार्क क्रिस्टल की रक्षा करनी होगी हर कीमत पर। कल की रात तय करेगी हमारे अगले हजार सालों की किस्मत। क्या तुम सब तैयार हो? कब से ये जिंदगी जी रहे हो? 600 सालों से? और तुम 900 सालों से? और तुम हजार सालों से शैतान हो ना? अगर हम कामयाब नहीं हुए तो हमें नर्क की आग में हजार साल जलना होगा। उस आग को तो किसी तरह झेल लेंगे, पर डर है।
उम्मीद खत्म हो जाने का। मेरी आज्ञा के बिना रूप मत बदलना। हमें कल रात पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए, खासकर उस सोमकुई को। मुझे शराब पीनी है, कौन रोकेगा मुझे? मुझे शैतानों की बनी शराब पीनी है। पता था, इसलिए अपनी लेकर आया हूँ। एक जाम मेरे नाम पीलो ना जाने बने घूट। मैं पीऊंगी। इतने ठंड क्यों हो गई? मौसम बदल रहा है, ठंड आने वाली है। अफवाह है कि शैतान आ चुके हैं हूर राज्य को तबाह करने। क्या आपने सुना है? अच्छा, मजा आने वाला है। आप शैतानों को कैसे पहचानते हैं? आँखों से। मैं उनकी आँखों में घूरता हूँ और सच पता चल जाता है। तो आमतौर पर शैतान कैसे दिखते हैं? ज्यादातर शैतान लड़कियों का रूप धारण करते हैं। क्या आप किसी शैतान को बख्श सकते हैं? कल हमारा कार्यक्रम देखने जरूर आइए। ओ, निर्भर करता है शैतान कौन है। नूगल, अगर वो कल नहीं आया तो? वो जरूर आएगा। सच्चे प्यार की परीक्षा, सच्चे प्यार का इंतजार करना, क्या ये सही है? इंसान को प्यार के जाल में फंसाते वक्त खुद प्यार के जाल में मत फंस जाना। नीले आसमान के नीचे जोंकुई और स्नोकल साथ है। ऊपर वाला साक्षी है, रिश्ता होगा स्वर्ग और धरती जैसा। स्वर्ग और धरती? पर मैं कोई परी नहीं हूं। तुम हो मेरी स्नोकल। अगर मैं शैतान होती तब भी तुम मुझसे प्यार करते? अगर मैं शैतान से प्यार करता तो मेरी आत्मा मेरे साथ नहीं होती। क्या शैतानों को सच्चा प्यार भी नसीब नहीं हो सकता? इंसान और शैतान अलग है, हमेशा थे और रहेंगे। इंसान उसे बुरा कोई नहीं हो सकता।
encoded by BabaHD.com. ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक वो चीज है जो आपके पास है पर वो आपके नहीं है। अपनी इच्छा बताइए, क्या चाहते हैं आप? पैसे, ढेर सारे पैसे, पैसों से मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ। तो ठीक है, पर इसे असलियत मत समझना। वो अब तक नहीं आया। तुम्हारी बारी। विद्यालय के बरामदे में मिलो स्नो। से बाहर आओ। सुनो डॉ क्रिस्टल, हमारे पास आओ। हु के नागरिकों को उनकी आत्माएं लौटाओ।
चलो, वो इस तरफ गए हैं। इसे वापस नर्क ले जाओ। तुम साथ नहीं चल रहे? पहले तुम जाओ, जाओ यहाँ से। शैतान शहर में आ गए डार्क क्रिस्टल के लिए। तुमने उन्हें मार दिया? तुम वो नहीं हो जिससे मैं मिला था, और मैं भी वो सोंकवी नहीं हूं। तुम शैतान हो। क्या आप मुझे मारने वाले हो? वापस ले आए। कहां गया मास्टर? मैंने इसे खोला तक नहीं। चालाक इंसान, उन्होंने क्रिस्टल कहीं और छुपाया है। मैं जब मंदिर पहुंची तो वहां एक काला शैतान था। एक काला शैतान? मतलब हमारे लोग मुसीबत में हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। तुम्हारा भाई उसे यहां क्यों छोड़ गया? वो इससे प्यार करते हैं। Encoded by BabaHD.com. क्या मुझे ढूंढ रहे हो? तुम्हारी तलवार गिर गई। तुम अपना जादू मत चलाओ, इसे डराने की कोशिश मत करो। वैसे मैं तुम्हें नहीं जानती, पर मुझे पता है तुम कौन हो। भैया के कमरे में तुम्हारी तस्वीर है। तुम स्नो गर्ल हो ना? 3 साल पहले तुम बिना बताए चली गई। जानती हो मेरे भैया को तुम्हारी कितनी याद आती थी? तुम्हारी याद में हर रात आंगन में शराब पीकर सो जाते, और सुबह उठते तो बर्फ से ढके होते। वो जिंदा तो थे पर उनमें जान नहीं होती थी। क्यों छोड़कर गई तुम उन्हें? उन सारी लड़कियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। चलो निकलते हैं। कल रात इस मंदिर में एक घमासान युद्ध हुआ था। शैतान डार्क क्रिस्टल चुराने की फिराक में थे, पर वो नाकामयाब रहे। डार्क क्रिस्टल अभी भी हमारा है। वैसे ही जैसे तुम भी मेरी। पर खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। बचे हुए कुछ दिनों में हमें एक साथ शैतानों का सामना करना होगा, ताकि डार्क क्रिस्टल उनके हाथ न लगे, और 3 दिनों बाद हमारे शहर में शांति होगी। ऐसा ही होना चाहिए। आप जानते हैं ये कौन है?
हमने कार्यक्रम में देखा था। शैतान, मारो इन्हें। इन्हें भी मार दो। यहां एक और शैतान है। ये सब क्या हो रहा है? वो स्नोगल है ना? ये एक बर्फीली शैतान है। शैतान कोई भी तरह का क्यों ना हो, अगर हमारे शहर में आने की जरूरत की तो उनका अंत निश्चित है। मारो इन्हें। जोंकुए, अब तुम्हारी बारी। मारो उसे। इसे बख्श दीजिए। ठीक है। सिर की रक्षा करो, मेरे साथ आओ।
ये इंद्रधनुष साजिश है। अच्छा हुआ। जोक्वे, अपनी पूरी क्षमता इन्हें दिखाओ। भू राज्य को शैतानों से बचाओ। वो काला शैतान जोंकुई ही था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दुश्मनों से हाथ मिलाने की? क्या तुम कुछ नहीं सीखे? जाओ उस बर्फीली शैतान को मार दो। Ah!
बाहर जाओ। ये पवित्र पानी है, जैंग तुम्हें ये पवित्र पानी हर दूसरे दिन पिलाता है ताकि तुम्हारी रूह तुम्हारा शरीर छोड़कर ना चली जाए, समझ रहे हो ना? तुम पियो इसे। स्नोगर, इसे नर्क ले जाओ, मास्टर इसे सब कुछ समझा देंगे। मैंने सुना ज़ोंगकोई ने शैतानों को छोड़ दिया और वहां से खुद भी भाग गए। शैतान तो आखिर शैतान ही है, लॉर्ड ज़ोंग भी अपने आप को रोक नहीं पाया। इजाजत के बिना कोई भी शहर में नहीं आ सकता। शैतान सिख रही की जाए। क्या कर रहे हो तुम? भैया, ये आपको क्या हुआ? सुनो,
कर्फ्यू रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। कोई घर से बाहर ना निकले। इजाजत के बिना कोई भी शहर नहीं जा सकता। शैतान दिखते ही सैनिकों को तुरंत इतला की जाए। जरा देखो मुझे क्या हुआ है। आपकी रूह तो ठीक है। पर क्या बात है डुपिन? आपकी धड़कन रुक चुकी है। आप अपने प्राण गंवा चुके हैं। क्या बकवास कर रहे हो? झूठ मत बोलो। भैया मर नहीं सकते। वो यही है ना तुम्हारे सामने? झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे मरने के बाद क्या हुआ था? मैं वापस कैसे आया? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं रोए जा रही थी। मुझे लगा आप हमें छोड़कर चले गए। और फिर मास्टर जैंग आपको वापस लाए। वो है तो भगवान है ना। आपको देखकर लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। आपके सर में चोट के निशान भी नहीं लगे थे। मुझे नर्क जाना होगा ये जानने के लिए कि मैं कौन हूं। मैं भी चलूंगी। तुम आ गए।
इंसानों और शैतानों के बीच में प्यार कभी नहीं हो सकता। और तुम सुनोगे दोनों से प्यार कर बैठी। नहीं रुक जाओ। डार्क क्रिस्टल के बिना डार्क का कोई भविष्य नहीं। छोड़ दो उसे। सोंग्री, तुम इस साम्राज्य के सबसे बड़े विद्वान बनना चाहते थे, पर तुम्हें फंसाया गया और तुम्हारी मौत हो गई। बिना आत्मा के शरीर को ही जीवन दिया और तुम्हें डार्क क्रिस्टल चुराने के लिए जिंदा रखा गया। ये झूठ है। ये तुम्हारा हथियार है ना? सिर्फ शैतान नर्क में आ सकते हैं, भगवान भी नहीं आ सकते। अगर तुम एक शैतान नहीं हो तो भला 10 फुट लंबे कैसे हो जाते हो? संकुई, तुम एक शैतान हो। मैं शैतान नहीं हूं। ये मेरा असली रूप है। तुम सच्चाई जानना चाहते हो ना? तो देखो सच्चाई। इस सदी का पुनर्जन्म दिवस नजदीक है। क्या तुम भगवान बनने के लिए तैयार हो? मैंने पुनर्जन्म की सारी विधियां निभाई हैं। तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो चुकी है। तुम डार्क क्रिस्टल को जगा नहीं पाओगे। हालांकि तुम इंसानों की आत्माएं चुराकर खुद को ताकतवर बना सकते हो। डार्क क्रिस्टल को जगाने का यही एक उपाय है। पर यह तो स्वर्ग के नियमों के खिलाफ है ना? पर मुझसे रहा नहीं गया। डार्क क्रिस्टल की शक्तियां तेजी से बढ़ने लगी। पर जब मैंने तुम्हें खून में देखा तब मैं समझ गया सच्चाई क्या है। मास्टर डार्क क्रिस्टल के साथ क्या करने वाले हैं? अब वो तीनों लोग की सबसे शक्तिशाली चीज बन चुकी है। अगर सैन्य उसे जगा दिया तबाही मच जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। मैं खुद का इस्तेमाल नहीं होने दूंगा। मैं शैतान नहीं हूं। मैंने जिन लोगों की आत्मा चुराई वो मासूम थे, पर मासूम तो यहां के शैतान भी हैं। मैंने नियम तोड़े हैं, मुझे सजा मिलेगी। बस नोगल की गलती क्या है? अगर डार्क क्रिस्टल को कर जलाया गया वो भस्म हो जाएगी। क्या ये सजा उसके लिए ठीक है? क्या हम एक जैसे नहीं दिखते? तुम मेरे जैसे नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारे जैसा। हम सबकी किस्मत अलग है। अगर तुम मेरी ताकत अपने अंदर समा सको तुम सैंडॉक्स को रोक सकते हो। सिर्फ तुम इस दुनिया का सर्वनाश रोक सकते हो और शांति बनाए रख सकते हो। Oh!
encoded by BabaHD.com. Zandauxian Dark Crystal की शक्ति से तबाही मचा देगा। कल पूनम की रात इंसानों और शैतानों के लिए आखिरी रात हो सकती है। डार्क क्रिस्टल में हमारे पाप और पुण्य का हिसाब है। हजार सालों में एक बार हमारे पास मौका होता है अपने सारे पापों का प्रायश्चित करके एक नया जन्म लेने का। कुछ भगवान बनते हैं, कुछ शैतान रह जाते हैं। कौन क्या बनेगा, ये फैसला है डार्क क्रिस्टल का। मैं शैतानों को मारता हूँ, तुम्हारी जात को मारना मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी दुनिया को कैसे बचा सकता हूँ? मास्टर जैंक, आप डार्क क्रिस्टल के साथ क्या कर रहे हैं? ओ, तुम्हें पवित्र पानी मिल गया। ओ, नर्क में गए थे क्या? नर्क के राजा कैसे? जो उसने कहा क्या वो सच है? तुम यहां सही वक्त पर आए हो। आओ, कल पूनम की रात है, हमारे सारे आदरणीय मेहमान कल यहां होंगे। आओ, तुम्हारी पहचान करा दूं। यहां बैठेंगे स्वर्ग के राजा दीन। इनका बेटा निज्जा छोटी उम्र में ही बड़ा विद्वान बन चुका है। ये है अवलोकितेश्वर, बड़े दयालु हैं, ये हमें मुक्ति दिलाएंगे। ये है स्वर्ग की महारानी, पश्चिम के महान कुंडलुन पहाड़ों में रहने वाली जादूगर। और यहां बैठे हैं जेड एम्परर, जो यहां सदियों से विराजमान है। इतनी महान हस्तियां, क्या लगता है मुझे कहां बैठना चाहिए? सुखुए, मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना चाहिए, तुमने मेरे लिए डार्क क्रिस्टल जो चुराया। कल जब आधी रात होगी, मैं बन जाऊंगा तीनों लोकों में सबसे ज्यादा ताकतवर, और उस रात के बाद इस राजगद्दी पर सिर्फ मेरा हक होगा। इसका मतलब है आपने जो भी मुझसे पहले कहा था वो सब झूठ था? एक कहानी महान तभी होती है जब लोग उसे सच समझ बैठे। जरा सोचो, भगवानों को कौन पूजता अगर धरती पर अमन और शांति होती? न लालच न जरूरत है, इंसानों में लालच है, इसीलिए तो वो भक्त बनते हैं। और जब दिलों में डर होता है,你们去过天庭，你不断的台阶有多高，有多长？我比那些天庭差在哪儿？为什么我必须在底层徘徊，甚至连凌霄殿都没进去过？人人都想成仙，可成了仙又如何？每一次的屈辱，我都对自己说：有朝一日，我要颠覆这一切。一国皇后，昔人养父，有利用到此魔力。 你制造天下大乱，不惜毁灭人魔两界，这一界的阴谋只会实现你一个人的野心。哼，我会让糊涂人知道真相。谁会信你啊，钟馗？你只是我曾钟爱的一枚棋子，你什么也不是。当年你就是因为怨气太重，才无法投胎。哼哼。 什么念力惊人？难道是我编来骗你的？你没有命魂，是我保你七魄不散。कल जब डार्क क्रिस्टल को जगाया जाएगा,
इंसानों की आत्मा उनसे अलग हो जाएगी, धरती पर सिर्फ मुर्दों का निवास होगा। ये इस सदी का सबसे बड़ा जुर्म होगा और मुझे तुम्हारा साथी माना जाएगा। महानता हासिल करनी है तो बलिदान तो देना ही पड़ता है। तुम वाकई मेरे दुश्मन बनना चाहते हो? मैं इस दिन का हजार सालों से इंतजार कर रहा हूं। एक दिन बाकी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम सबसे बड़े शैतान तुम हो। जाओ यहां से जोंकुए, तुम मेरे शिष्य नहीं रहे। छोड़ेंगे मेरे भैया को अकेला छोड़ दो, जाओ यहां से। हम सब आज रात का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारी खोई हुई आत्माएं लौट आएंगी, नरक का विनाश होगा और धरती पर शांति होगी। लेकिन ये सरासर झूठ है, ये जैंग दाउशियान की साजिश है। जहर मत उगलो जोंकोई, तुम हमें हमला करने पर मजबूर मत करो। ये गलत है भैया, हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। वो पल है जिसका जैंग दाउशियान को बेसब्री से इंतजार था। आज रात वो हमारी आत्माएं ले लेंगे और हू राज्य एक कब्रिस्तान बन जाएगा। और मेरी बात को गौर से सुनो, हम सब शैतान बन जाएंगे। उसके आगे मत झुको, डूबिंग। उठ जाओ, इसके सामने कोई नहीं झुकेगा, कोई नहीं झुकेगा। उठो, मैं कहता हूं उठो। ये एक शैतान है, इसने हमसे सिर्फ झूठ ही बोले हैं। हमारी आत्माओं की इसे परवाह नहीं है। याद रखना, आज रात होते ही तुम सब शैतान बन जाओगे। इस पर यकीन है? सब सुनिए, जोंकुए को गौर से देखिए, जरा देखिए उसे। जोंकुए, इस इंसान के शरीर में तुम्हारा दम नहीं घुटता। तुम हम सबको तुम्हारा असली रूप से जोंकुए, किसका इंतजार है? अपना असली रूप पेश करो, शैतान बनकर हम सब पर हमला करो। तुम शैतान हो। Oh!
शैतान बन गया है। वो शैतान नहीं है, वो मेरे भैया है। खत्म करो उसे। Encoded by BubbaHD.com. मैं वो कठपुतली हूं जिसे जहन ने अपनी उंगलियों पर नचाया। फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। वापस जाकर लड़ना चाहते हो? आज रात अंतिम युद्ध होगा। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अदृश्यता और शक्ति जो धरती और स्वर्ग के नियम तय करती है,
सबकी आत्माओं को शरीर से आजाद करें, सबकी आत्माओं को शरीर से आजाद करें, सबकी आत्माओं को शरीर से आजाद करें। तुम्हें किस पर यकीन है? मुझे दाल में कुछ काला लगा। तुम आ गई? डार्क क्रिस्टल मेरे हवाले कर दो। बेहुदा शैतान, तुम कोई भगवान नहीं हो, धोखा देते हो और तबाही मचाते हो। सोंग कोई को सिर्फ अपने फायदे के लिए जिंदा रखा, तुम भगवान बनने के लायक नहीं। तुम नहीं बचोगी। Mm-hmm.
सारे शैतान डर से कांपने लगेंगे। मैंने उसे कैद कर दिया है, अब कोई भी चीज तुम्हारा ध्यान नहीं भटकाएगी। एक महान योद्धा शैतान के जाल में फंस गया, मुझे इस बात का अफसोस है। प्यार, क्या वो इतना ताकतवर है? क्या ये सही है? Yeah.
शुक्रिया जोंकोई, तुमने हमें बचा लिया। हमें बचाने के लिए शुक्रिया जोंकोई, बहुत बहुत शांत हो जाओ जोंको, धैर्य रखो, ध्यान रखो, ज्ञान तुम्हारी प्रतीक्षा में है। शैतान का रूप तुम्हारा असली रूप नहीं है। जाओ, पुनर्जन्म लो, स्वर्ग को तुम्हारी जरूरत है जोंको। This movie is encoded by BubbaHD.com.
将你眼神，我怕你看破我的魂，不想能够穿过我的心，仿佛冰冷的心怅然，止不住彷徨，左右顾盼，只为你眼里的爱恋，不惜时间。对我心底到眼前，只有份不顾身，即便全部的造化，我也要一生痴狂。可只有这两颗心，心交融的瞬间，雨滴都见证这一瞬间，这一刻将凝固千万年，千万年像个人世明前，来吧快叫我吞没，生在